नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। आइए नज़र डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की खबर बारसोई से। अनुमंडलीय अस्पताल बारसोई में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा राम पंडित एवं उनके कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जी हाँ, बता दें कि 96 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगा है। वैक्सीन लेने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा राम पंडित ने बताया कि मैं सौभाग्य हूँ कि मुझे कोरोना वैक्सीन का टीका लगा। ये बहुत ही सरल है, घबराने की कोई भी बात नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे कोरोना वैक्सीन का टीका सरकार द्वारा लगवाया गया। आज मुझे कोरोना से मुक्ति मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण से पहले सारी जांच करवाई जा रही है। बता दें कि टीका के उपरांत चिकित्सक अपनी देखरेख में सभी लोगों को रख रहे हैं। वहीं श्री पंडित ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस कार्य के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग टीका अवश्य लगवा लें। वहीं मुख्य रूप से उपस्थित चिकित्सक आसिफ रजा, स्वास्थ्य प्रबंधक उमर फारूक, आशा मैनेजर राजीव कुमार, दीपक अधिकारी और भी कई लोग उपस्थित रहे। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके संबंध में जितनी भी अफवाह है वो सब निराधार है, गलत है, आसान है। और वैक्सीन लेना बहुत ही आसान है, सही प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और खुशनसीब है कि आज हम अगर दुनिया को दो श्रेणी में बांटे, एक श्रेणी वो जिन्होंने वैक्सीन लिया और दूसरा जो वैक्सीन लेने से वंचित है, आज हम वैक्सीन लेने वाले की श्रेणी में शामिल हो गए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र के लिए? हम पूरे बारसोई प्रखंड तमाम भारतवासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी बारी आता है तो आप निश्चित रूप से वैक्सीन लें। किसी भी अफवाह में ना रहें, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल ईजी है, आसान है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, हल्का सा अनुभूति होता है। आप निश्चित रूप से वैक्सीन लें, अफवाह से बचें।